संसद में इस इनबारी पर सियासी संग्राम लगातार जारी है। सवाल यह है कि आखिर कैसे संसद में इतनी सुरक्षा के बीच आरोपी घुसने में कामयाब हुए। इस मामले में एक और गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी महेश कुमावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट में पेशी के बाद 7 दिनों के रिमांड पर भेज दिया गया है। अब गिरफ्तार हुए आरोपियों की संख्या 6 हो चुकी है। तो संसद हंगामा केस इस वक्त की बड़ी खबर, आपको जानकारी पहुंचा दें, जहां सभी आरोपियों से आमने सामने बिठाकर सवाल जवाब किया जाएगा। संसद हंगामा केस और सभी 6 आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। उनको गिरफ्तार किया जा चुका है। आखिरी जो शख्स है महेश, उसको गिरफ्तार किया गया पुलिस की तरफ से। आरोपियों के उनको शहर भी लेकर जाया जाएगा, उनके घर, और छानबीन होगी, पूछताछ होगी, और सभी आरोपी 7 दिनों की पुलिस हिरासत में हैं। तो जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, पूछताछ हो रही है, कुछ खुलासे भी हो रहे हैं। संसद हंगामा केस, आरोपियों से पूछताछ जारी है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारियां हासिल करने का वक्त है। आप सभी को लिए चलते हैं सुशांत के पास। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। सुशांत, इस पूरे मामले में अब तक क्या जानकारी आपके पास है, क्या है अपडेट? देखिए, मैं आपको जानकारी दे दूं कि कल इसके जो मुख्य आरोपी है महेश कुमावत को फिलहाल जो है पुलिस ने कल पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया, जहां पर 14 दिन की रिमांड जो है वो मांगी गई थी। फिलहाल कोर्ट की तरफ से 7 दिन की रिमांड जो है वो दी गई है। इससे पहले 5 आरोपियों को जो है वो पुलिस हिरासत ले चुकी है, उनकी भी रिमांड जो है वो पटियाला हाउस कोर्ट से मिल चुकी है। लेकिन सवाल ये है कि जो स्मोक अटैक पार्लियामेंट के अंदर हुआ, संसद के अंदर, उसके पीछे वजह क्या है? हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार सवाल उठा रहा है कि जो बेरोजगारी है, महंगाई है, वो एक बड़ी वजह है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो करेगी, और जहां जहां ये लोग रहने वाले हैं, चाहे वो राजस्थान के हैं, चाहे वो उन्होंने जो स्मोग है वो कहां से लिया, किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया गया, कब से ये प्लानिंग चल रही थी, क्योंकि कोर्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि जो महेश कुमावत है उनकी तरफ से जिन भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया गया, उनको डिस्ट्रॉय जो है वो किया गया। साथ ही साथ ये बात की, ये भी तहकीकात जो है वो पुलिस करेगी कि आखिरकार इसकी प्लानिंग जो है वो कब से चल रही थी, और किन किन लोगों के संपर्क में, जितने भी आरोपी है वो किन किन लोगों के संपर्क में थे, किस तरीके से पूरे हमले को जो है वो प्लान किया गया, कैसे संसद के अंदर किया गया, किस तरीके से उनकी हेल्प की गई, क्या क्या बाकी सिक्योरिटी का एक बड़ा लैब था। इन सब चीजों की जाँच पड़ताल जो है वो अब पुलिस करेगी अगले 1 हफ्ते के अंदर। ज्यादातर जितने भी आरोपी है उनकी रिमांड जो है वो खत्म होगी, लेकिन उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि रिमांड को जो है वो आगे बढ़ाया जाए, एक्सटेंड किया जाए, ताकि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से खींचे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से होकर के गुजरेगा, और ऐसे में अलग अलग राज्यों में लेके जाना, वहां पर इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती भी रहती है। देखना ये होगा कि देश की पूरी सुरक्षा को लेकर के एक सवाल जो है वो खड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अब पुलिस जो है वो फिलहाल इस पूरे मामले में जांच कर रही है। ठीक है सुशांत, आप नजर बनाकर रखिएगा। और लेकिन सबसे बड़ी बात, अब 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं जो पहले हिरासत में थे, अब पूछताछ चल रही है, निश्चित तौर पर कुछ खुलासा होगा। सबसे बड़ी बात यही है, देश ये जानना चाहता है, उनके माता पिता उनको निर्दोष तो बता रहे हैं, अगर निर्दोष थे, एक सवाल ये है हमारी तरफ से भी और सबके सवाल से भी, जिसकी जांच एजेंसियां लगातार तलाशी कर रही है, तो उन्होंने फोन क्यों नष्ट कर दिया? अगर कुछ ऐसा नहीं था तो फोन नष्ट करने के पीछे क्या है, और हो सकता है कि फोन नष्ट ना किया हो, गुमराह कर रहा हो पुलिस को, ये भी एक एंगल है। फिलहाल जो महेश कुमावत हैं जिनको कल पुलिस ने कोर्ट में पेश किया, उनकी तरफ से दलील दी गई है कोर्ट में उनके वकील की तरफ से कि उनके जो क्लाइंट हैं महेश कुमावत, उनके परिवार वालों को पुलिस की तरफ से ये नहीं बताया गया कि आखिरकार उनको अरेस्ट जो है वो किया गया है। कोर्ट में ये साफ तौर पर कहा गया कि महेश कुमावत के परिवार वालों को नहीं पता था कि क्यों उनको अरेस्ट किया गया है, लेकिन फिलहाल कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि पुलिस ये इन्फॉर्म करे। पुलिस ने बाकायदा ये पूछा कि महेश जो है वो कहाँ तक पास आउट है, महेश जो है वो 9वीं क्लास तक पास आउट है, लेकिन फोन डिस्ट्रॉय का जो पूरा मामला है उसमें भी ये देखना होगा कि आखिरकार ये फोन डिस्ट्रॉय करने के पीछे वजह क्या है, कौन लोग थे जो इस पूरे मामले पर इसकी हेल्प जो है वो कर रहे थे, क्या किन किन लोगों के संपर्क में थे, क्योंकि फोन डिस्ट्रॉय होने से कई सारे पुलिस के हाथ जो है वो बंध जाते हैं कि आखिरकार जो फोन डिस्ट्रॉय हुए हैं उनके पीछे कौन से सिम इस्तेमाल किए गए, इन सिम्स के जरिए किन किन लोगों से बातचीत करी, क्योंकि अगर पुलिस के हाथ फोन या सिम लगता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करना आसान होता है कि आखिरकार किन किन लोगों के संपर्क और किन किन मैसेज के थ्रू जो है वो इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम जो है वो किया। ठीक है सुशांत, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर जानकारी पहुंचाने के लिए।